मैं तो बहुत खुश हूँ, माता रानी ने मेरी सुन ली। राजदीप, तू ही ये गल मैंने पहला क्यों नहीं दसी? दरअसल मैं वो कंपनी ते लेटर दा वेट कर रहा सी, जिस कंपनी च मैं जॉब वास्ते अप्लाई किया, मैं सोचा वो लैटर आ जाए फिर मैं तुहानू सारयां नू आप लड्डू खवा के खबर दसनी सी, पर मम्मी तो रिहा कित्थे जांदा, उन्होंने सब दसता। मैं नहीं हो जांदी किते भी, ये नहीं हो सकता, नामुमकिन। बाऊ जी, मेरे ब्याह का मसला है, नाले इहो जी गल्लां पहलां दसनियां चाहीदियां ने ना। रहन जान दी हाँ मैं उत्थे, कोई घूमन फिरन नहीं जान दी, जिहड़ा तुसी सारे मैनु सरप्राइज देन दिओ। ब्याह की गल चलन दी है, कोई मजाक नहीं चलन दिया, मेरी भी जिंदगी जुड़ी है इस ब्याह नाल, आ नहीं हो सकता। माही, जे तुहानू बुरा लग्या तां सॉरी, पर मैं ये गल मानदा कोई भी काम होने तो पहला जो दा बैंड वाजा वजा दो तो वह गल सिरे नहीं चढ़ती। हुण जे मैं विआह लई मिलन लई हर कुड़ी नूं दसदा फिरां ते हो सकदा मैनूं आ लैटर मिले ही ना। पर तुसीं खास सीगे इसलिए मैं सोचा कि तुहानूं दस दवां। मम्मी, तू ही कुछ बोलन क्यों नहीं दे? पुत्तर, मैं कौन होंदी हां कुछ कहण वाली? माता राणी ने आप रिश्ता तय किया, मैं तो पूछो तो मैं तो बहुत खुश हाँ। नाले पुत्र, तेरे चाचा चाची भी तो उत्थे ही ने, इस तो वधिया खबर होर की हो सकती है माही मेरे लिए? तू उत्थे खुश रहेंगी, चंगी जिंदगी मिलेगी तेनू उत्थे। मैं तो माता राणी का जिन्ना धन्यवाद करा उन्ना घट है। अच्छा चल आ जा, हुण डिनर लान ते मेरी मदद कर। माही, मैनू ना तुहाडा पासपोर्ट चाहिए वीजा ली। कुछ भी बोली जा रही है। राजदीप पुत्र, मैं तुहानू पासपोर्ट दे दांगा माही। वह पुत्र केड़ी जॉब लिए अप्लाई किया तू ही कैनेडा? अंकल जी वो एक प्राइवेट कंपनी है, प्रोफेशनल जॉब आ। आओ जी आओ, रोटी लागी, चलो। माही, सब ठीक है? जे वीर ने मेरा मैसेज देख लिया, इसका मतलब तो यह है ना कि वीर ने पता लग गया कि मैं उन्हें लभन दी हूं, पर उस तो बाद भी उन्हें फोन ऑफ क्यों करता? माही पुत्र, आ जा हुण। माही पुत्र, आ रोटी पुछ राजदीप नू।
आंटी जी बहुत स्वाद रोटी खवाई तुसी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा माही तुसी ख्याल रखियो अपना, मैं चलता। ठीक है पुत्र, बाय। माही किथे जान रही है, आकी होन दिया, आकी हो जा बर्ताव है, मैं की करा जो तेरी ड्रामेबाजी खत्म हो जावे। क्यों जा बर्ताव करन दिया मैं मम्मी, मैं तो बस वीर नु लभण गई ही ना। वीर 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 बहुत हो गया वीर नाम दा जाप, ओ तेरा सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। एड़ी पागल होई जान दिये तू, तेनू ओ वीर तो इलावा कोई गल ही नहीं सुझदी। बस हुण इस तो बाद उस वीर दा नाम नहीं सुनना चाहती मैं। माही सवेरे कित्थे गई सी? ओ बाऊ जी मैं वीर नु लभण गई ही। ए रब्बा रूह च बढ़ गया वीर दे दिता। आ कुड़िए केड़ी बीमारी ला के बह गई है तू? जोगी जी हुण तुसी इहनू समझा सकदे हो, मेरे तो हथों बाहर निकल गई बस। आ मैनू नहीं समझ आता मैं की करा इस कुड़ी दा। माही मैं तेनू कहा सी ना जे तू कुछ भी करना चाहती है मेरे नाल सलाह करेंगी, कहा सी ना? बाऊ जी मैं तो बस वो एक ऑटो स्टैंड तक ही गई ही, उत्थे जाके मैंने पता लग गया कि एक ऑटो वाले ने ना वीर नू होटल से छड्डिया, ते मैं बस वो होटल से गई ही वीर नू लभण, ते उस तो बाद बस मैं और कोई सफाई नहीं सुनना चाहता। अपने रब का शुक्र मनाया कर कुड़िए जो तेनू इन्ना चंगा मुंडा मिलिया। इस हरकत करके ना किते गवां ना बैठी आ रिश्ता भी, ओ बेचारा तेरे लिए खड़िया होया है। पुलिस थाने तक तेनू बचाने लिए चला गया बिना कोई सवाल किते, ते कौन करता है अज दे जमाने विच इहो जा। पर तेनू तेनू जरा नहीं कदर हैगी उसकी। वेख माही जे तू हुण इहो जा मुंडा ठुकराता ना ते फिर पूरी उम्र पछताना है तू। आ लिखा लै तू मेरे तो चाहे राजदीप वर्गा मुंडा नहीं मिलना तेनू, वीर वर्गे तो बेलर मुंडे बथेरे आ जाणगे तेरी जिंदगी विच, पर राजदीप वर्गे चंगे दिल वाले प्यार करन वाले नहीं मिलने तेनू। ओदी मां नू पता है कि ओदा मुंडा किन्ना संस्कारी है, ओनू कमी नहीं होनी कुड़ियां दी, ओ किसे भी वेले मना कर सकते ने इस रिश्ते नू। ते माही औखी तू होना है क्योंकि तेनू पता है आप दियां हरकतां दा। तू वेख्या नहीं इस पिंड दे मुंडे दे रिश्ते किद्दां दे हुंदे ने? हाय मैं सीधे आ क्यों नहीं दस सकती मम्मी ते बाऊ जी नू कि मैं वीनू प्यार करदी हां, ते आ सारे व्याह ले बखेड़े नू मुकाल छड़दी हां। बोल दे माही, आ सारे व्याह ले बखेड़े नू मुका ही छड़ा। बोल दे माही, दस दे सारे लिए इहो चंगा होगा, नहीं तो जिन्ना टाइम लंघूगा ना उन्ना ही तू मुश्किल च आ जाएंगे। नहीं दस पावांगी मैं कहे, मैं पूरी तरह दसना चाहनी हूं सारे नू पर नहीं दस सकती ना। माता रानी तू ही मैनू केड़ी मुसीबत च पाता, वीर दे इश्क च कमली होण दा मैं पहला इम्तिहान देण दी आ। फोन क्यों नहीं चुकन दिया मुंडा? हेलो माही नू मैसेज सेंड करन दा आइडिया तू देता है, ओ तेरा दिमाग खराब है? पर मैं क्यों पावांगा माही दे दिमाग च आ ख्याल? मैं तेनू दस्या है कि माही बहुत शातर कुड़ी है,
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਆਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਤੇਰਾ? ਵੀਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ? मैं वेखदा गल की आ, वैसे तो मैं उत्थे जाना नहीं पर हुण मैनूं लगदा उत्थे जाना पैणा इह देखण वास्ते कि गलती कित्थे होई है। अच्छा मैं कोई गल करनी सी तेरे नाल, जिहड़ी अपनी डील होई है उह च कितें पिछे तां नहीं हटेगा ना तू? तू परवाह ना कर, तेरे नाल कीता होया वादा पूरा होगा ते तैनूं विआह कराउण तों बाद विच कनेडा भेज दिता जाऊगा। अच्छा फिर मैं पेपर भेजदा तैनूं वीजा लई। आ गया जट कनेडा। क्यों नाराज है तू वीर मेरे तो? प्लीज वापस आ जा, मैनू तेरी लोड़ है। प्लीज वापस आ जा वीर, प्लीज वापस आ जा। जाने अनजाने च अहीं दोवें एक दूजे नाल लड़ते रहे, पर अहीं इकट्ठे एक दूसरे का साथ दिता है, भावें उह फौज दे फार्म लई पिन्नियां बनाउणा होवे या माही दी अंटी दी स्कीम होवे, लक्की नाल मेरा विआह बचाउणा होवे या अतवादियां तों देश नूं बचाउणा होवे, असीं तां कट्ठे मिल के इक दूसरे दा साथ दित्ता है ना। हुण आदत पै गई है मैनूं तेरी वीर, तैनूं ना तेरी तेरी दूरी सुइयां वांग चुभण डई है। प्लीज वापस आ जा वीर, किसे ना किसे वजह तों मेरे तों नाराज़ ते, पर तू मेरे तो नाराज ना हो वीर, प्लीज प्लीज वापस मुड़िया वीर। तेरी नाराजगी ना मेरे तो बर्दाश्त नहीं होती वीर, मैं कमजोर पैन दी है, जदों कि मैनू ये भी पता है कि तू ना मेरे नेड़े तेड़े है, पर मैं होर कमजोर पैन दी है वीर। आई लव यू वीर, आई लव यू, प्लीज वापस आ जा। Oh,
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਊ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਨੀ? ਤਾਂ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ? ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ। ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਕਿੰਡ ਲਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਣ ਦਾ ਡਰ? ਕਿਹਨੂੰ ਖੋਵੇਂਗੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਨਾਲ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚਾਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਂਦੀ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਊ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਊ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹ ਮਾਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੂੰ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਏਂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਮਾਈ, ਐਤਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਠੁਕਰਾਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਰਾਜਦੀਪ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਐਤਕੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਬਾਊ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਊ ਜੀ ਕੋਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹਾਂ? ਮਾਹੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਭ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ ਨਾ? ਯਾਰ ਸਿੰਮੀ, ਯਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਾਜਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਦੀਪ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਯਾਰ ਮਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ। ਯਾਰ ਸਿੰਮੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੰਘ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੀ।
बाऊ जी ने मैनू पूछा भी उन्होंने लग्या ही कि मैं उन्होंने कुछ कहना चाहनी हूँ पर नहीं बोल पाई यार। आज सूट ले आई है मैं तेरे लिए। सिमी तू आज बोलन नहीं दी मैनू कुछ। कोई फायदा है तेनू कुछ कहन दा? करना तो तू हुंदा नहीं जो भी तेनू कहा जावे। करनी तो तू सिर्फ अपने मन दी हुंदी है ना। मैं तेनू किन्नी वारी कहा माही कि दस दे अपने घरदियां नू पर नहीं। ते जो मैं तेनू कहंदी सीगी कि माही तेनू प्यार हो गया वीर नाल अदो तो तू मेरी गल मनी नहीं। पता नहीं अदो तेरे दिमाग च केड़ा भूत सवार सीगा। मैं तेनू कहा सीगा ना कि तू प्यार करन लग पई है वीर नाल। किन्नी वारी कहा सी माही मैं तेनू? बस कर यार सिमी, मैं मानती हाँ कि मैनू टाइम लग गया इस गल नू समझण लई यार, पर बार बार उही गल करन दा की फायदा है। मैनू हल चाहिए इस चीज़ का यार सिमी। नहीं रहा जांदा यार, ठीक है कोई भी जना खाना आके मैनू ज्ञान वंड के चला जांदा है। ठीक है यार, इंसान है मैं भी, हो गई गलती मेरे तो, की करा हुण मैं। पहली बार जिंदगी च प्यार होया, वो भी उहदे नाल जिहदे नाल मैं हमेशा लड़न दे सुपने वेखदी सी। नहीं समझ आउंदा मैनू इह प्यार व्यार। हुण टाइम लग गया मैनू इस गल नू समझण लई कि माही नू वीर नाल प्यार हो गया।